हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे अल्कोलोको में यूज होने वाले सेफ्टी डिवाइस के बारे में। तो ये हमारा पहला है सेफ्टी डिवाइस, ओवर स्पीड ट्रिप असेंबली, जिसको हम जनरली OSTA के नाम से भी जानते हैं। तो ओवर स्पीड ट्रिप असेंबली क्या है? जब हमारा इंजन एक प्री डिटरमाइंड वैल्यू से ज़्यादा स्पीड से रन करे, तो उस कंडीशन में इंजन की सेफ्टी को देखते हुए ये OSTA ट्रिप हो जाता है और इंजन शटडाउन हो जाता है। जनरली WDM3A और WDG3 लोगों के लिए इसका RPM जो है 1180 RPM टू 1200 RPM सेट किया गया है, और WDM2 लोगों के लिए 1140 RPM टू 1116 RPM सेट कर गया है। इसका लोकेशन जो होता है वो इंजन राइट साइड फ्री एंड होता है। इसमें क्या है, एक स्प्रिंग लोडेड रोटेटिंग प्लंजर होता है, जिसके पास दो पोजीशन होते हैं, फर्स्ट पोजीशन ट्रिप और एक पोजीशन रीसेट होता है। जब OSTA ट्रिप होगा तो बिना इसे रीसेट किए आप क्रैंक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस कंडीशन में इंजन क्रैंकिंग के दौरान फायरिंग नहीं होगा। ये क्या है, हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करता है, जिसके पास एक स्प्रिंग लोडेड प्लंजर होता है। जब गाड़ी हमारा ओवर स्पीड या इंजन RPM ओवर स्पीड होता है, तो उस कंडीशन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो बढ़ जाता है और प्लंजर बाहर की तरफ आ जाता है, और बाहर की तरफ आया हुआ प्लंजर जो होता है वो ट्रिप लीवर पे स्ट्राइक करता है, जिसके कारण हमारा स्प्रिंग लोडेड जो शाफ्ट होता है वो रिलीज हो जाता है। अब ये स्प्रिंग लोडेड शाफ्ट जो है वो डायरेक्टली जो है फ्यूल कपल रैक से, फ्यूल कंट्रोल शाफ्ट से कपल होता है, मतलब उससे जुड़ा होता है। जैसे ही हमारा स्प्रिंग लोडेड रीसेट शाफ्ट रिलीज होगा, उस कंडीशन में यह रोटेट होकर फ्यूल कंट्रोल शाफ्ट जो है वो नो फ्यूल पोजीशन पे आ जाएगा और हमारा इंजन जो है वो शटडाउन हो जाएगा। तो ये था संक्षेप में इस वीडियो का। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। सबसे पहले देखते हैं ओवर स्पीड ट्रिप असेंबली है। व्हेन द इंजन RPM एक्सीड्स द प्री डिटरमाइंड वैल्यू, इट सेफ इंजन बाय द वे ऑफ शटडाउन। मतलब जब इंजन मार्क का स्पीड जो है हमारा प्री डिटरमाइंड वैल्यू से ज़्यादा हो जाए, तो इसको सेफ रखने के लिए ये OSTA ट्रिप हो जाता है और इंजन को शटडाउन कर देता है। यहाँ पे WDM3 और WDG3 लोगों के लिए 180 RPM से 1200 RPM दिया गया है, WDM2 लोगों के लिए 1140 RPM से 1160 RPM सेट किया गया है। इसका लोकेशन जो होता है इंजन राइट साइड फ्री एंड होता है। नेक्स्ट देखिए, कंसिस्ट ऑफ ए स्प्रिंग लोडेड रोटेटिंग प्लंजर ट्रिप एंड रीसेट हैंडल। इसके पास एक स्प्रिंग लोडेड ट्रिप प्लंजर, ये जो होता है एक स्प्रिंग लोडेड रोटेटिंग प्लंजर से बना होता है, जिसके पास ट्रिप हैंडल और रीसेट हैंडल होता है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन OSTA ट्रिप इट शुड बी रीसेटेड बिफोर क्रैंकिंग। जब OSTA ट्रिप हो तो वो क्रैंकिंग करने से पहले उसे रीसेट किया जाना चाहिए, अदरवाइज इंजन विल नॉट फायर ड्यूरिंग क्रैंकिंग। नहीं करने पे क्या होगा, हमारा इंजन जो है फायर नहीं करेगा क्रैंकिंग के दौरान। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो है वर्क ऑन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे वर्क करता है, जिसके पास कंसिस्ट ऑफ ए स्प्रिंग लोडेड प्लंजर, जिसमें एक स्प्रिंग लोडेड प्लंजर लगा होता है। ड्यू टू ओवर स्पीडिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ग्रेट इनफ टू स्प्रिंग फोर्स। ओवर स्पीड के कारण जो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है स्प्रिंग फोर्स से ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण प्लंजर जो है वो बाहर की तरफ आ जाता है। आउटवर्ड पोजीशन ऑफ प्लंजर स्ट्राइक द ट्रिप लेवर एंड द स्प्रिंग लोडेड रीसेट शाफ्ट रिलीज। जो हमारा प्लंजर का आउटवर्ड पोजीशन है वो जो है ट्रिप लीवर पे स्ट्राइक करता है, जिससे क्या होता है स्प्रिंग लोडेड रीसेट शाफ्ट जो है वो रिलीज हो जाता है। और रीसेट शाफ्ट जो है डायरेक्टली कपल होता है किससे, फ्यूल कंट्रोल शाफ्ट से। एज स्प्रिंग अनविंड्स, जब स्प्रिंग लोड जो स्प्रिंग है वो रिलीज होगा, स्प्रिंग लोडेड शाफ्ट जो है रिलीज होगा, तो उस कंडीशन में जो है फ्यूल कंट्रोल शाफ्ट को रोटेट कर देता है, जिसके कारण फ्यूल रैक जो होता है वो नो फ्यूल पोजीशन पे आ जाता है, और जब फ्यूल नहीं जाता है तो इंजन हमारा शटडाउन हो जाता है। इसके बाद आपको एक वीडियो होगा, उस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा कैसे इसका वर्किंग है। वन डिजाइन ऑफ ओवरस्पीड गवर्नर कॉल्ड द ओवरस्पीड ट्रिप इज समटाइम्स यूज्ड टू स्टॉप द इंजन कंप्लीटली व्हेन अ सेफ स्पीड इज एक्सीडेड। This type of overspeed trip has only one flyweight, also working on the principle of centrifugal force. While the engine operates at a safe speed, the rotating flyweight is held close to the drive shaft by a spring. As soon as the engine overspeeds, the flyweight moves outward and trips a latch. This causes the fuel supply to the injection valves to be shut off, and the engine stops. Let us repeat the action of this mechanism step by step. The flyweight is held to the drive shaft by a spring. When the engine overspeeds, centrifugal force overcomes the resistance of this spring, and the flyweight moves away from the shaft. In this position, the rotating flyweight trips the latch, which releases the spring-loaded plunger. The plunger pushes against the fuel cutout lever, which in turn
moves the fuel pump control to the no injection position, and the engine stops. Before the engine can be started again, the latch and the fuel pump must be reset. This is done by this reset arm, which is mounted on the reset lever shaft. The fuel cutout cam, mounted on the control shaft of the engine, is used when stopping the engine by hand. When the starting lever of the engine is moved to the stop position, the cam turns the cutout lever, shutting off the fuel pumps.